YouTube चैनल, आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। तो आज मेरे पास है कावासाकी का तो रियल जेम है, इंजीनियरिंग मार्वल बोलो, बिकॉज 250cc में इनलाइन 4 इज टोटली नेक्स्ट लेवल। और अगर पावर फिगर्स की बात कर लें तो ये प्रोड्यूस करती है 41 bhp, ये प्रोड्यूस करती है 51 bhp, और टॉर्क में डिफरेंस आप सोचो, इनलाइन 4 होने के बाद ये प्रोड्यूस करती है 22 Nm का टॉर्क, वो प्रोड्यूस करती है 29 Nm का टॉर्क। तो ये डिफरेंस दोनों ही गाड़ियाँ लिक्विड कूलिंग के साथ आ जाती हैं, बट दो सिलेंडर एक्स्ट्रा हैं। और इतना ज़्यादा इसका प्राइस है, अगर बात करें तो 8 lakh rupees की ये पड़ती है ऑन रोड, तो बहुत ही महंगी है, बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही मुश्किल से ये देखने को मिलती है। और क्या ज़बरदस्त लग रही है भाई, साइड में देखो डक्ट वक्त दिए हैं इसको कूल रखने के लिए, तो यहाँ पे एयर डक्ट आपको मिल जाते हैं। बाय द वे डिस्क आगे सिंगल ही मिलती है, डुअल डिस्क होती तो और बेटर रहता, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसान पे कर रहा है। जो इंजीनियरिंग है भाई अलग ही लेवल की होगी, आप सोचो 250cc के अगर 4 piston है तो 1 piston का साइज लिटरली इतना सा होगा। ज़बरदस्त आवाज़ करती है, जैसी बड़ी बाइक्स आवाज़ करती हैं वैसी ये आवाज़ करने वाली है। ऑलरेडी इस पर मैं एक वीडियो बहुत पहले डाल चुका, बहुत ज़्यादा पसंद किया आपने, इसीलिए हम दोबारा इसको लेके आए हैं चैनल पे। और ख़तरनाक लग रही भाई, बहुत ख़तरनाक। जो एयर इनटेक है वो आ गया है, दूसरे हैंड पे R3 है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, यामा की बहुत ही बेहतरीन बाइक्स में से एक है, रिफाइंड है। ऑफकोर्स इनलाइन 4 जितनी रिफाइंड नहीं होगी, बट डेफिनेटली काफ़ी रिफाइंड फील होती है। और जो इसके पावर फिगर्स हैं, जो भी ये 321cc का इसमें इंजन मिल जाता है, नई R3 से ज़्यादा बेटर मुझे ये वाली R3 लगती है पहले वाली। बाकी अगर स्पीडोमीटर की बात कर लें तो इसमें आपको बड़ा क्लासिक सा सेक्सी सा एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा अगर उसमें बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिए हैं भाई, 250cc में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, और साथ ही साथ क्विक शिफ्टर एंड ऑल भी आता है, अब पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है इसमें। बाकी पावर मोड भी दिए हैं, तो हमने अभी इसको फुल पावर पे लगा रखा है। और एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन, जो मीटर आपको काफ़ी बाइक्स में ऑलरेडी देख चुके हो 650s में, वही वाला स्पीडोमीटर इसमें आपको मिल जाता है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एड ऑन कर दिया गया है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ABS की लाइट दे रखी है, तो डुअल चैनल ABS, ये सारी बेसिक चीज़ें तो मुझे नहीं लगता बताने की भी ज़रूरत है मुझे। तो जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है इस बाइक की भाई। अगर आप एक कलेक्टर्स आइटम चाहते हो देन 25R इज़ फॉर यू, वरना 8 lakh rupees में आपको प्री ओन्ड बहुत ऐसी ज़बरदस्त बाइक्स मिल जाती हैं, जैसे CBR हो गई, 650R आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, कुछ 6R मिल सकती हैं, Zeek ऑप्शन रहता है, तो बहुत बाइक्स इस प्राइस में आ जाती हैं। इनलाइन 4 जो इससे कई ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं, बट वही बात है ना कि एकदम डिफरेंट है, 250cc इनलाइन 4 नेक्स्ट लेवल। तो चलो आज ये कंपैरिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं R3 वर्सेस ZX25R। तो अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 321 है, ये 250 है, तो अब भी आप देखना कि जो एक्स्ट्रा दो सिलेंडर है उससे क्या फ़ायदा होता है। 199 भागाओगे इसको आज, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी इनिशियल में जहाँ पे सारी बाइक्स ख़त्म होती हैं वहाँ से इसका पावर बैंड शुरू होता है, तो 10,000 rpm से पहले कोई पावर नहीं है। और बाय द वे ये 18,000 rpm जाती है भाई, 18,000 rpm मैन, तो ये 10,000 से जो 18,000 का पावर बैंड है इसमें ही इस गाड़ी की जो पूरी पावर है वो आती है, पावर और टॉर्क आता है। उसके पहले आपको बहुत ही डेड फील होगी, उसके बाद बहुत लाइवली हो जाती है। चांद पे पहुँच चुके होगे, हाँ, क्या गर्म है। तो चलो अब इसकी सबसे पहले आइकॉनिक आवाज़ सुना देते हैं। बाय द वे R3 में भी एग्जॉस्ट लगा है, पहले R3 स्टार्ट करो भाई। अरे भाई क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब मैं सुनाता हूँ तुमको सुपर बाइक की आवाज़। बाकी बाइक आई गेस डीकैट हो रखी है, नहीं हो रखी है पता नहीं चल रहा है, बट ऑस्टिन रेसिंग का शॉर्ट कैन लगा है, शॉर्ट के शॉर्टेस्ट कैन लगा है यार, बहुत लाउड है भाई, बहुत लाउड है एक्सट्रीम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, चलो भाई आ जाओ देख लेते हैं, आज पता लगने वाला है कितनी दम है 25R में। देखते हैं R3 के साथ कैसा रहता है, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है भाई। फुल पावर मोड में डाल दी है, KTRC 1 पे, KTRC ऑफ भी होता है। कावासाकी वाले भैया आओ, ये जो भूल भुलैया जो कावासाकी बनाती है ना, ये मेरे को कभी समझ नहीं आया भाई, ये पावर है ऑफ कर दो उसको, ऑफ। पावर में देखो कितने मोड हैं, एफ और एल, एल एफ पे लगा दो, पहली बन जाएगी। एफ पे लगा दो, एफ पे लगा दो, हाँ भाई चलो। 250cc को अगर लो पावर में चलाएंगे तो क्या ही होगा भाई, लग गया
और कावासाकी ने इसमें एक चीज़ और करी है, हल्का सा आप क्लच छोड़ोगे तो बाइक हल्की सी रेव होती है, 500 आरपीएम बढ़ जाता है। तीन ऑन तुम दो। ओ भाई क्या भाग रही है भाई, R3 अभी आगे है लेकिन निकल जाएगी बड़े आराम से। भाई लेकिन क्या भागी है यार, पीछे कर देगी R3 को टॉप एंड में, बिकॉज लो एंड बहुत वीक है इसका। कह रहे हैं इसका लो एंड बहुत कम है भाई, टॉप एंड में निकलेगी, टॉप एंड में। लेकिन 10,000 आरपीएम के बाद क्या भाग रही है, एकदम मक्खन है भाई, बहुत अलग लेवल का रिफाइनमेंट है। बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं है भाई, बहुत अच्छी इंजन क्या बनाया है भाई। चले चलो फिर से लॉन्च करते हैं, पहला लॉन्च था मेरी जिंदगी का इसका। गायब होने का टाइम आ गया है और यहाँ पे मैं बात करती हूँ ऊंचाइयों में, कोहरा तो दिख नहीं रहा है, आज विजन काफी क्लियर है हमारा। खतरनाक भाई, लेकिन हवा बहुत है, विंड ब्लास्ट बहुत है, विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है। R3 को हरा दिया लेकिन इसने, आप नहीं भाई। अभी देखना आने में कितना टाइम लगेगा उसे, ये देख लो भाई, अभी मैं थर्ड गियर में होता तो बहुत पीछे कर देता। अब पीछे करता हूँ उनको, बहुत ज्यादा गैप मेंटेन नहीं हो रहा है अगर देखा जाए तो, ऐसा जितना गैप मैंने सोचा था उतना तो नहीं है। और कवर कर रही है R3, स्वेट बाइक कवर हो रहा है, तकिन होके देखते हैं। ना 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 अब कवर नहीं हो रहा है, बट हाँ इतना ज्यादा ऐसा गैप नहीं है जितना पीछे भाई। अब इसकी ब्रेक भी सही हो गई, एक्चुअली ब्रेक पे ऑयल लगा हुआ था, गाड़ी को चलने की जरूरत थी, बहुत टाइम से गाड़ी चली नहीं थी। तो भाई डेफिनेटली ZX25R इज द विनर। अगर इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करो तो R3 तुरंत निकल जा रही है, बट उसके अलावा तो आप देख ही रहे हो कि फिफ्थ गियर के बाद क्या हो रहा है।
तक चेंज करते हैं अभी और अब देखते हैं क्या होने वाला है। एक शॉर्ट ड्रैग करेंगे क्योंकि भाई ड्रैग में आपको पता है आर्थरी तुरंत निकल जा रही है। शॉर्ट ड्रैग करोगे मैं तो दिखूंगा ही नहीं, आप चांद पे पहुंच जाएंगे। मतलब शॉर्ट ड्रैग कुछ नहीं होता है, ड्रैग ही होती है। ड्रैग इज ऑलरेडी वेरी शॉर्ट, 400 मीटर्स। ब्रेक ब्रेक देखे रहना ब्रेक। बाकी यार आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, अभी हम सेफेस्ट रोड पे हैं। तीन हॉर्न ओ भाई अब जा रही है, पांचवे गियर में निकलती है वो, निकल गए। ये था कंपैरिजन ZX25R का R3 के साथ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और खतरनाक टक्कर दी इसने दो सिलेंडर होने के बाद, बिकॉज वो गाड़ी फिफ्थ गियर के बाद ही निकल रही है, फिफ्थ गियर से पहले नहीं निकल पा रही है। किस गियर में निकले हो? फिफ्थ में? ध्यान नहीं दिया यार मेरे को लॉन्च के लिए, वो हॉर्न ही नहीं सुनाई दिया। वैसे भी ये निकल जा रही है भाई, क्योंकि इनिशियल इसका काफ़ी तेज़ लग रहा है बैठने के बाद भी, बहुत तेज़ है। हाँ वो टॉप एंड में निकल रही है, लेकिन मैंने टॉप स्पीड एक्सपेक्ट करी थी कि 200 तक तो जाएगी, बट 200 तक नहीं जाएगी भाई। मैं तो अभी ले गया 178 रेट के आसपास। हाँ तो 183-184 में ले गया, उसके ऊपर जा ही नहीं रही है, और इतनी सी एवरेज बची है तो ज़्यादा से 190 जाएगी बस मैक्स। तो बट डेफिनेटली एक चीज़ कहनी पड़ेगी, कावासाकी ने काम तो ज़बरदस्त किया है। कावासाकी ऑलरेडी कुछ भी करता है एकदम अलग करता है, एकदम हटके करता है, सो दिस इज़ नो एक्सेप्शन। इस वीडियो को एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंड एक्सप्लोर है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस एंजॉय। और 25R पे कुछ और देखना है तो कमेंट करके बताओ नीचे।